साथियों, आज मैं जो मैसेज आप लोगों को देने जा रहा हूँ, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही जिम्मेदारी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथियों, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम एक लकीर के फकीर की तरह चल रहे हैं और शायद हम उतनी गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, या तो अभी कायदे से देखा जाए तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को हम पहचान नहीं पा रहे। साथियों, जब मैं इस बात को कहता हूँ तो बहुत लोग इस बात को मानते भी नहीं हैं, और जब बड़े प्लेटफार्म से इस बात को कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, किस रास्ते से निकलेगी, कैसे होगा। मैं आज बात करूंगा पित्त की थैली की पथरी की। साथियों, पित्त की थैली की पथरी को लेकर के जो आम जनमानस में ये धारणा है कि पित्त की थैली की पथरी निकलती ही नहीं, और मैं भी इस चीज को जानता था, मैं भी भाई जो जनरल बुक्स है उसको पढ़ता था तो यही समझता था। लेकिन जब 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400 जब आए दिन इस तरह की चीज़ें मेरे प्रैक्टिस में मिलने लगी, तो मैंने इसे बहुत ही ईमानदारी से और आप लोगों के समक्ष रखना प्रस्तुत किया। और धीरे धीरे साथियों, आज 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों प्रमाण हैं और मैं आए दिन आप लोगों को देता रहता हूं। और कहीं ना कहीं ये ईश्वर की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है, वरना ये संभव था नहीं। भाई, एक तरफ मैं जैसे कहता था कि पित्त की थैली की पथरी भी निकल सकती है, तो लोग तुरंत या तो किसी न किसी रूप में कमेंट करते थे, लेकिन जब पेशेंट ठीक होकर के सामने आता है, मिठाई लाता है और बजरंगबली को धन्यवाद देता है, और हम भी साथियों जब इस न्यूज को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा भी चिकित्सा धर्म सार्थक हो। मेरे साथ आज देखिए, आप लोगों के साथ एक फिर मैं प्रमाण लेकर के आया हूँ, और मैं जब ये खबर सुनता हूँ ना तो साथियों इतना खुशी मिलती है, इतना खुशी मिलती है कि यार कितनी बड़ी चीज होने जा रही है। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में एक बदलाव की जरूरत है, और मैं हमेशा कहता हूँ, ये मनोज भाई हैं, मनोज भाई हम लोग लगभग कितने साल से जुड़े हुए हैं? करीब 8-9 साल से मनोज जी हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा मनोज, इस केस से पहले शायद तुमको भी पथरी थी ना? हाँ। आपको ही पथरी थी, याद आ रहा? हाँ। आपको किडनी पथरी थी। किडनी पथरी इनकी निकाली गई, मैं देवा में बैठता था, देवा शरीफ में, वहीं से इनसे संपर्क हुआ। इसके बाद इनका भी था, इनका भी निकाला गया देवा से ही, देवा से किडनी में पथरी। इनका भी निकाला, 6 पथरी थी साथ में, 6 पथरी थी, 6 पथरी निकाले। इसके बाद हमें लग रहा है कई केस आपने मुझको दिया, कई केस दिए, और लगभग लगभग जो लोग दवा टाइम से खाए सबको आराम भी मिला। अभी हमारे भाभी जी का भी पित्त की थैली पथरी था, करीब 4 mm का था, वो भी निकल गया। ज्ञानमती, हाँ ज्ञानमती, देखिए एक मैसेज हमारे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ज्ञानमती। अभी कितना दिन पहले की बात है? ये हो गया आज 15 दिन पहले की बात, 15 दिन पहले। साथियों, अभी एक पित्त की थैली, इनके सगे भाई थे, उनकी पत्नी थी, और आज देखिए ये भी। अच्छा, उनको यही भेजे थे। अब ये बात ये थी कि डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब भैया की बात हमने बड़ा विश्वास करके भेजा, हम के भाई देखो मेरा काम है प्रयास करना, और उनकी पथरी निकली। आज देखिए संजोग की बात, इनकी भी पथरी निकली है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि मल्टीपल स्टोन था। देखिए आप लोगों को सारी चीजें मैं बताता हूँ। इनका ये मनोज भाई कब की रिपोर्ट है? इस पे है 10/9/2023 की, 10/9/2023 में इनकी रिपोर्ट कराई गई, इनको हिपैटोमिगैली और इसके बाद थिक वाल गाल ब्लडर विथ मिनिमल स्लजेज इन गाल ब्लडर विथ कोलीलिथियसिस, और राइट साइड में इनको ओवेरियन सिस्ट भी था। सबसे बड़ी चीज राइट साइड में इनको ओवेरियन सिस्ट था। दवा इसके बाद ये कई जगह किए होंगे। अच्छा ये बताओ मनोज की, जैसे ये रिपोर्ट आपको हुआ तो उसके बाद आप कई डॉक्टरों से संपर्क किए होंगे? हाँ, इसके बाद गया था मैं हनीमैन जो मेडिकल होम्योपैथिक था,
वहाँ पे भी गए, लेकिन वहाँ से विशेष रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, फिर हमने कहा कि जब हमारे सर जी तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है, फिर मैं यहाँ आ गया। तकरीबन वहाँ दो महीने दवाई चला, दो महीने दवाई चला। नहीं और किसी और डॉक्टर को, किसी सर्जन उर्जन को भी दिखवाए तो लोग क्या बताए कि मतलब ये बोले कि अगर गाल ब्लैडर में है तो फिर उसका रास्ता ऑपरेशन करो, उसका रास्ता ऑपरेशन ही है। तो अब चूंकि हम लोग काफी दिन से जुड़े हुए थे और मतलब मामला भाई देखिए पित्त की थैली की बात होती है तो एक बात विश्वास की ही होती है। बिल्कुल, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि भाई देखो तीन महीना दवा करो, तीन महीने के बाद हम जांच कराएंगे और जांच के बाद जैसी स्थिति आएगी उसके हिसाब से किया जाए। मैं जो भी पित्त की थैली का पेशेंट आता है, देखिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, आप भैया आप कहाँ रहते हो? ये ओमान रहते हैं, ओमान से दवा लेने मेरे आए हैं। मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि पित्त की थैली की पथरी को लेकर के ये कंफ्यूजन नहीं पालना है। 100 में 100% की पथरी नहीं निकलती, सबकी जरूर नहीं कि पथरी निकल जाए, लेकिन जो लोग ये बात को कहते हैं कि नहीं एक बार पित्त की थैली पथरी कभी निकलती नहीं, किस रास्ते से निकलेगी, तो ऐसे प्रमाण हैं जिनको देख करके और एक बार जो है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में भरोसा किया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद ये दोबारा जांच कराएं, उसमें भी ओवेरियन सिस्ट पॉलीलिथियसिस इनको दिखा रहा हूँ। और दवा मनोज भाई हम लोगों की कितना दिन चली है, ये इनका पर्चा है, 3.5 महीना, 3.5 महीना। देखिए ये रीता जी हैं, इनका इलाज हमने शुरू किया है 21/3/2002 पर्ची दो, इसके पहले भी था पर्चा, हाँ, एक पर्चा होगा, चलिए 3.5 महीना इनका ट्रीटमेंट चला है। और आज साथियों देखिए सब कुछ आप लोगों के सामने है, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, यानी न ओवरी सिस्ट है, न लिवर में सूजन है, और न सबसे बड़ी चीज है कि पित्त की पथरी। अब सोचिए अब इस पर क्या कहा जाए भाई, अगर हमें जो प्रमाण नित्य मिल रहे हैं, आप लोग आके कहते हो सर मेरा ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारी होम्योपैथी की गहराई है कि नहीं? देखो हम इसको माने कि उन 4 लाइन किताब में लिखा है उसको माने, भाई किताब में कोई लिखने वाला है तो हम अपने जज्बे से उसमें कुछ संशोधन तो कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। आपकी आप कहते हो सर मेरा आराम हो गया, मेरी पथरी निकल गई और जांच आपने कराया, जांच कराने के बाद जरूर, अच्छा जब जांच आप करा रहे थे तो जो डॉक्टर था जांच करने वाला वो पहले वाला भी रिपोर्ट देखा होगा? हाँ पहले देखा था। तो क्या कहा? बोला कि यार ये कैसे हो गया? हमने हाँ। कहा सर वो कैसे गया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वैसा हुआ। हाँ। बोले कि मतलब हमने कहा डॉक्टर SB तिवारी साहब है। हाँ। उनके थ्रू हमारा दवाई चला और तकरीबन 3.5 महीना दवाई चला, वहाँ से हमारा रिलीफ हो गया और उसकी अपेक्षा वहाँ कई लोग भी थे तो पूछने लगे कैसे कैसे, तो मैंने उनको बताया भी डॉक्टर SB तिवारी सर हैं मरिया बैठते हैं इसका इलाज ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन दो चीज़ें हैं, दवा देना सर कहता हूँ मैं और नियम से खाना आपको। हाँ हाँ भाई देखिए वो तो पूरा रिलीफ भाई, देखिए भाई कहने के बाद ना कि हम तो दवा देंगे और दवा नियम से आप खाएंगे तभी कुछ बात बनेगा। और देखिए साथियों मैं फिर से आप लोगों को बहुत बड़ी चीज़ कहने जा रहा हूँ कि पित्त की थैली की पथरी को लेकर के बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें 2-3 चीजें हैं, इस पे हमने कई मैसेज भी आप लोगों को बनाया है कि किन किन कंडीशनों में आप समय ले सकते हैं। और मैं एक मिशन पे चला हूं कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चले कुछ कांटे ही कम करते चले। तो हम ये नहीं कहते कि हम जितने लोग मेरे पास पित्त की थैली वाले आएंगे पथरी वाले आएंगे मैं उन सबको सही कर दूंगा, मैं इस चीज को बार बार कहता हूं, लेकिन मैं उसके सख्त खिलाफ हूं कि कह दिया जाता है, हमें को कहा जाता है डॉक्टर साहब किस रास्ते से पथरी निकलेगी, आखिर पथरी किस रास्ते से निकली? भैया ये नहीं पता है मुझे किस रास्ते से निकलेगी, लेकिन पथरी निकल रही है आप उसे मानो। और देखो हम भारतवर्ष में रहते हैं, जब हमारे बजरंगबली की कृपा होगी ना तो आप रिसर्च करो किस रास्ते से निकली है। मैं तो यही कहूंगा कि मेरी पथरी निकली, मरीज सामने बैठा, मरीज का यहां घर है, इसका मोबाइल नंबर है और इतने दिन में मैंने ठीक किया, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। हम ये थोड़े ना है कि उस तरह चलेंगे कि लीक ही लीक पर जो तू चलता रहा, ये तो सच है दूरी तय कुछ हो जाएगी, अब पद चिन्हों को अगर चाहते छोड़ना
उतरता शेरता काव्यथा को धरो। तो शेर जिधर से चलता है उधर से रास्ते बनते हैं। ये नहीं है कि एक पटरी बना दी गई हम उसी पर चलें उसी पर चलें, नहीं। अगर हमारे हनुमान साहब ने भी हमारे अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ऑल्दो आई एम फाउंडर ऑफ होम्योपैथी बट आई एम ओनली 1% ऑफ होम्योपैथी। तो इतनी ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मैं अभी होम्योपैथी को 1% जान पाया, तो हम कैसे कह दें कि ऐसा नहीं संभव है। तो हम अपनी होम्योपैथी की गहराई को लेके चल रहे हैं और ऐसे कारवां बहुत अभी आगे ले जाना है। अभी बहुत पित्त की पथरी निकालनी है, बहुत लोगों के गुर्दे सही करने हैं, बहुत लोगों के मोटर न्यूरॉन डिजीज सही करनी है और बहुत लोगों के असाध्य से असाध्य बीमारियां जहां पे लोग ये कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो होम्योपैथी में इलाज है। बस आप सही से विश्वास करिए, जैसे कि हमारे मनोज भाई ने और क्या नाम है रीता, रीता आप ये बताओ कि कोई दिक्कत तुम्हें नहीं? अब दर्द हो पेट में, भारीपन, उल्टी या पथरी से पहले जो दिक्कत होती थी अब कुछ है? नहीं। अब जो है और लोगों को आप क्या कहना चाहोगी? बहुत झेली हो, बहुत कष्ट उठाई थी, बहुत लोग क्या क्या कहते थे, तो अब क्या कहना चाहोगी? अब कहेंगे ठीक हो गया। ठीक हो गया। चलिए भगवान ऐसे ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहें और हम यही ईश्वर से अपने, देखिए हम हर चीज को, मैं कहता हूँ कि करते हो तुम बजरंगी मेरा नाम हो रहा है और सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो मैं तो यही जानता हूँ मैं इनके शरण में हूँ और जब इनकी कृपा रहेगी, मैं देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति का ध्वज लेकर के चला हूँ और बजरंग बली को साक्षी मान कर अपने सामने में रख करके प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी दवा देता हूँ कहता हूँ हे प्रभु इसको प्रसाद बना के हमारे मरीज को ठीक करना। और मैंने इसी पर एक चिकित्सा धर्म पे कविता भी लिखी है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से अगर खुद को ऐसा होता, क्या चाहता मैं उससे जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाए। तो हमारा पहला धर्म ये होता है कि आपके चेहरे की जब परेशानी मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी परेशानी है। और साथियों मैं उसी के बिहार पे काम करता हूँ। जब लगता है कि नहीं अगर वो परेशानी मेरी होती तो मुझे कितना मतलब दिक्कत होती, मैं क्या आपसे अपेक्षा करता, सब उसी भाव से काम करता हूँ। आज उसी का परिणाम है कि नित्य नए आप लोग जैसे जब हजारों प्रमाण मुझे मिलते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि नहीं इसको बहुत आगे ले जाना है और मैं ऐसे ही प्रमाण कोशिश करूंगा कि हे प्रभु मेरे खाते में, ऐसे तो मैं यही मनाऊंगा कि हे प्रभु किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन तकलीफ हो तो कुछ ही दिन की हो, जैसे कहा जाए कि रहमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन हो, तो थोड़े दिन की विपदा हो और टल जाए। तो अब जो है आज मंगलवार का दिन भी है और मंगलवार के दिन थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत उत्साह से मन मेरा भरा भी रहता है, तो आज इतनी बड़ी खुशी मिली है। तो रीता जी आप बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाओ अपने हाथों से, इसलिए कि बहुत बड़ा, देखो सबसे बड़ी चीज हमारे भारतीय सनातन परंपरा में क्या, तो किसी को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। तो अगर हम कोई इतनी बड़ी चीज हुई तो अपने इष्ट देव बजरंग बली को हम लोग जो है भाई इनके लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा भाव है कि इनके प्रति जो है समर्पण है, इसको चढ़ाइए। जय हो। चलिए सब लोग प्रसाद लीजिए। हाँ भैया ओमान तक हमारा मैसेज देना। यहाँ देखो हमारे भारतवर्ष में ऐसा भी संभव है। लो बिटिया भाई तुम लोग, और ये प्रसाद एक भैया तुम्हारे लिए बेटा और एक बाहर के लिए, एक हमारे लिए और ये जाएगा आपके घर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बजरंग बली।